वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम बिजी के अंदर ऑफर्स को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे कस्टमर्स को अपने जो मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी है, जैसे कस्टमर्स ने, तो उनको हम कैसे ऑफ़र प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर अपना कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उस पर हम कस्टमर को कोई स्पेशल कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, तो वो हम कैसे इसमें बिजी के अंदर मैनेज करेंगे, ये मैं आपको पूरा वीडियो के अंदर बताऊँगा। इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन ताकि मेरी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको स्कीम वाले जो ऑप्शन को है उसको इनेबल करना है। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको जाना है। यहाँ पर इन्वेंट्री ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर आपको एंटर होके यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको ऊपर मिल जाएगा इनेबल स्कीम फर्स्ट में, ठीक है। इस पर आपको सीधे से टिक करके इसको सेव कर देना है। तो अब अपन बैक आएंगे यहाँ से, सेव करके एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से। अब जाना है आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही, मास्टर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्कीम का, जैसे अपन ने स्कीम वाला ऑप्शन वहाँ से इनेबल किया, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन शो हो जाता है। अगर आपका स्कीम वाला ऑप्शन ऑन नहीं है, इनेबल नहीं है, तो आप वहां से जाके कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। सबसे पहला ऑप्शन है ऐड, तो अपन एक नई स्कीम ऐड करना चाहते हैं तो यहां से वो ऐड होती है, ठीक है। जैसे मैं कोई दिवाली ऑफ़र दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिवाली के नाम से यहाँ पर एक स्कीम ऐड करी है, दिवाली ऑफ़र, एंटर किया। यहाँ पे आपको टाइम और डेट दोनों यहाँ पे फिल्टर करने के लिए दे देता है। अगर आपको टाइम रेंज पे ही वो स्कीम देनी है तो टाइम रेंज पे भी आप दे सकते हो, अदरवाइज आपको डेट रेंज पे देनी है तो डेट रेंज पे भी अपन दे सकते हैं। जैसे मान लो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मैं कोई स्कीम दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको टाइम स्पेसिफाई करना है तो वो भी कर सकते हो, जैसे आप सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक ये ऑफ़र जो है वैलिडेट रखना चाहते हो, तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो थोड़ा सा मैं शॉर्टली आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर स्पेसिफाई पार्टी, यदि आपको कोई स्पेसिफिक पार्टी को ही वो ऑफ़र देना है जिसने आप, जैसे कोई एक मेंबरशिप वाला आपका कोई कार्ड है और उनको आपने वो कार्ड, मैग्नेट कार्ड जो जिन्हें बोलते हैं अपन, वो यदि आपने उनको प्रोवाइड कर रखा है कस्टमर्स को, आपके कस्टमर्स को, तो आप उनको ही पर्टिकुलर ये ऑफ़र प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर सभी कस्टमर्स को आप प्रोवाइड करना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑल पार्टीज ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हो, या पर्टिकुलर एक पार्टी को करना चाहते हो तो ऑल पर्टिकुलर एक पार्टी को भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑल पार्टी सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन किन को वो ऑफ़र प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मुझे जो ये ऑफ़र है, ये जो स्कीम है, मैं यहाँ पे ओनली सेल पे, सेल वाउचर पे ये अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेल पे टिक किया। यहाँ पे सीरीज, यदि आपके पास 2 से अधिक सीरीज है तो यहाँ पे आप वो सीरीज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, उसको फिल्टर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्कीम अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल आइटम। इंडिविजुअल आइटम वाला जो ऑप्शन है, ये आपका जो ऑफ़र जो अप्लाइड होगा ये ओनली क्वांटिटी पे होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पहले मैं इंडिविजुअल वाला बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें भी आपका आइटम ऑन अप्लाइड ऑन आइटम वाइज, यदि आप आइटम वाइज इस ऑप्शन, इस ऑफ़र को अप्लाई करना चाहते हो तो आइटम वाइज भी अपन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर ग्रुप वाइज का भी ऑप्शन आ रहा है, यदि आप ग्रुप वाइज भी करना चाहते हो तो आप ग्रुप वाइज भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आइटम वाइज करना चाहता हूँ, मैंने आइटम वाइज पे टिक किया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे आता है स्कीम टाइप। अगर यहाँ पे आपको स्कीम टाइप में आप प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो प्राइस में आपको वहाँ पे डालना होगा कि जैसे आप कोई कस्टमर पर्टिकुलर एक आइटम की इतनी क्वान्टिटी, मतलब इतनी प्राइस में वो परचेज कर लेता है इतनी क्वान्टिटी की, तो उसको अपन जो है डिस्काउंटेड प्राइस उसमें लगा देंगे, इंक्लूडिंग डिस्काउंटेड, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन आता है डिस्काउंट, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है कि जैसे अपन किसी कस्टमर्स को यहाँ पे मैं आइटम सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कोका कोला 2 लीटर यहाँ पे सेलेक्ट की। अब जैसे ही ये 2 क्वांटिटी से ऊपर जाता है तो इसमें ऑटोमेटिकली 5% लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है इसमें कर सकते हो, डिस्काउंट वाले जो ऑप्शन आता है यहाँ पे स्कीम टाइप डिस्काउंट में। अब नेक्स्ट अपन एक और सीख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है सेम सेम आइटम, फ्री सेम आइटम। यदि कोई आइटम अपन यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कोका कोला 2 लीटर अपन ने दिया है, ठीक है, कोका कोला 2 लीटर। अगर ये इसके 10 पीस परचेज करता है तो इसके साथ 1 क्वांटिटी अपन कोका कोला की फ्री देंगे। तो ये ऑफ़र आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इस वाले ऑप्शन को यूज़ में कर सकते हैं ऑफ़र के लिए। और नेक्स्ट एक और ऑप्शन है फ्री डिस्काउंटेड डिफरेंट आइटम। अगर कोई आइटम है अपना, जैसे मैं कोका कोला के साथ ही आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, कोका कोला 2 लीटर के 3 पीस यदि कोई परचेज करता है तो इसके साथ कोका कोला 1 लीटर, मतलब डिफरेंट आइटम। कोका कोला 2 लीटर इन्होंने परचेज किया लेकिन डिफरेंट आइटम, कोई दूसरा आइटम अपन इसके साथ फ्री दे सकते हैं। जैसे मैंने इसकी 1 क्वांटिटी फ्री दे रहा है, तो ये चीज़ अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं इस पहले ये वाला सेव करके आपको बता देता हूँ। मैं बाहर आता हूँ, यहाँ पे सेल के अंदर गया, ऐड की, अपनी जो ऑफर डेट थी वो थी 1/10, मैं 5/10 को करता हूँ, सॉरी 1/10 से 31/10 की, टैक्स इंक्लूडिंग मैं सेल कर रहा हूँ, मैं कैश कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी नंबर है वो यहाँ टाइप कर देना है। एंटर एंटर। यहाँ पे आपको कोका कोला की, जैसे मैं यहाँ पे 3 पीस जैसे ही डालूँगा ऑटोमेटिकली इसकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पीस किए, ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 पीस जो है इसमें फ्री आ गया, इसकी कोई प्राइस नहीं लगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी अपनी स्कीम जो है ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं स्कीम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर इसी ऑफ़र को आपको मॉडिफाई करना है तो यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसकी डेट वगैरह जो है, यदि आपको ये चेंज करनी है तो ये चेंज नहीं करने देगा। यहाँ पे आपको यहाँ से इस एरो पे ऊपर जाना है, तब जाके आपको ये चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन दे देता है, ठीक है। अगर यहाँ से इस ऑफ़र को आपको चेंज करना है, जैसे सेम आइटम पे कोई चेंज करना है या डिस्काउंट यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ मैं इसको डिस्काउंट पे क्लिक करके इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं कोका कोला 2 लीटर को जैसे ही 10 क्वांटिटी ये परचेज करेगा इस पे 5% ही डिस्काउंट हो जाए, ठीक है। सेव। अब मैं यहाँ पे जैसे सेल के अंदर जाता हूँ, ऐड करता हूँ 5/10, ऑफर डेट के अंदर ही आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, कोका कोला 2 लीटर मैं यहाँ पे डालता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 10 पीस डालूँगा तो ये हमें 5% इसमें डिस्काउंट हो जाना चाहिए। सॉरी, मैंने यहाँ पे डिस्काउंट वाला ऑप्शन ऑन नहीं किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेल्स में ये वाउचर आइटम वाइज डिस्काउंट का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वापस से बाहर आता हूँ, बाहर आके वापस से ऐड करता हूँ, अंदर जाता हूँ, यहाँ पे 5/10 को मैं एक वाउचर एंटर करता हूँ, टैक्स इंक्लूडिंग, ठीक है, केस वाला वाउचर मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, आइटम अपन ने क्या लिया था वहाँ पे, कोका कोला 2 लीटर, ठीक है।
एंटर। जैसे मैंने यहाँ पे 10 पीसेज यहाँ पे सेलेक्ट किया, यस किया, एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अपने ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसमें 5% लेस हो जाएगा। 100 रुपीज़ इसकी प्राइस थी, 5% इसमें से लेस होके 95 रुपीज़ यहाँ पर पीस के यहाँ पर रेट लग के अमाउंट आ गया ऑटोमेटिक। ये देख यही चीज़ अपन ने वहाँ पर डाली थी कि जैसे ही इस पर 10 पीस से ऊपर कोई कस्टमर यदि परचेज़ करता है तो ऑटोमेटिकली 5% पर पीस के हिसाब से इसमें माइनस हो जाए, तो ये ऑफ़र यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।